एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और अभी तक हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुप क्या होते हैं, सेमी ग्रुप, ग्रुपेट, इसी तरीके की और भी बहुत सारी डेफिनेशन हैं। तो उनको हम लोग ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी डिस्कशन किया था, ग्रुप के भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे, जेडन को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एडिशन मॉडलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एंड ग्रुप ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग UN बोलते हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, तो उनको हम लोग ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा है और अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए आप मेरे लास्ट के लेक्चर्स को देख सकते हैं। आपको इन सभी लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। देन इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग एक न्यू कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नेम है फील्ड। फील्ड क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो हम लोग इस टॉपिक को रिंग थ्योरी में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ग्रुप थ्योरी में ही पढ़ रहे हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि ग्रुप थ्योरी में भी हमें कहीं कहीं फील्ड का यूज़ करना होता है। जैसे कि आप लोग आगे के लेक्चर्स में देखोगे भी, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी डिस्कशन करेंगे जिसमें हम लोग फील्ड का यूज़ करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर में फील्ड के ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस ये देखेंगे कि फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है और किसी भी सेट को कैसे चेक करती है कि ये फील्ड है या फिर ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये है फील्ड की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखो, जब मैंने आप लोगों को ग्रुप की डेफिनेशन समझाई थी, तो वहाँ मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई एक सेट है और उस सेट के ऊपर एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया गया है, और अगर उस ऑपरेशन के अंडर वो जो सेट है वो चार कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तो उस सेट को उस ऑपरेशन के अंडर हम लोग क्या बोलते थे कि वो एक ग्रुप है। तो वहाँ पर सेट के ऊपर केवल एक ही ऑपरेशन को डिफाइन किया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फील्ड होने के लिए एक ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया जाता है, किसी भी सेट के ऊपर यहाँ पर दो ऑपरेशन डिफाइन किए जाते हैं। और अगर वो दोनों ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हुए, तो वो जो सेट है वो उन दोनों ऑपरेशन के अंडर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये मैं आप लोगों को सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर किसी सेट के ऊपर, चाहे कोई सा भी आप लोग को सेट दे दिया जाए, उस सेट के ऊपर एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिए जाएँ, तो वो जो सेट होता है वो उन ऑपरेशन के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना लेता है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग ग्रुप थ्योरी के सेकेंड लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है एफ। अब इस सेट एफ के ऊपर हम लोगों ने दो ऑपरेशन डिफाइन कर दिए, स्टार वन और स्टार टू। अब ये जो सेट F है, ये स्टार वन और स्टार टू के अंदर, इसको हम लोग फील्ड तभी बोलेंगे जब ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये तीनों कंडीशन कौन कौन सी हैं, ये देखो, फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये जो सेट F है ये स्टार वन के अंडर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो स्टार वन और स्टार टू ऑपरेशन डिफाइन किए गए ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, HCF, LCM एक्सेट्रा, कुछ भी ऑपरेशन हो सकते हैं। तो ये जो सेट F है ये स्टार वन के अंडर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, से विद आइडेंटिटी एलिमेंट E। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, F माइनस E इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार टू। यहाँ पर F माइनस E का मतलब है कि ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है ना E, तो हम लोगों ने इस F सेट में से इस एडिटिव आइडेंटिटी को हटा दिया है। तो इस एडिटिव आइडेंटिटी को हटाने के बाद जो भी हमारे पास सेट आएगा, तो वो जो सेट है वो स्टार टू के अंडर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। देन इसके बाद थर्ड कंडीशन ये होती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होना चाहिए, दैट इज ए स्टार वन बी स्टार टू सी इज इक्वल टू ए स्टार टू सी स्टार वन बी स्टार टू सी, एंड सेकेंड सी स्टार टू ए स्टार वन बी इज इक्वल टू सी स्टार टू ए स्टार वन सी स्टार टू बी। तो आप लोग इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो आप लोग को क्या चेक करना है, सबसे पहले आप लोग को ये चेक करना है कि कोई भी सेट दिया गया है, वो सेट चाहे कुछ भी हो सकता है और उस सेट के ऊपर चाहे कैसे भी ऑपरेशन को डिफाइन किया जा सकता है, वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। तो दो ऑपरेशन आप लोग को दिए जाएंगे अगर आप लोग को फील्ड पूछा गया है कि इसको शो करना है कि ये फील्ड है, तो आप लोग को दो ऑपरेशन दिए गए होंगे। अब वो जो सेट है,
वो फर्स्ट ऑपरेशन के साथ स्टार वन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई। देन इसके बाद सेकंड कंडीशन आप लोगों को ये चेक करनी है कि उस सेट में से एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को हटा दीजिए, ठीक है, हटा दिया। उसके बाद जो आप लोगों को सेट मिला वो स्टार टू के अंदर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, वो जो सेट है वो स्टार वन और स्टार टू ऑपरेशन के अंडर। तो अगर किसी सेट एफ के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग उस सेट एफ को बोलेंगे कि ये क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो, आपको फील्ड की डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे R प्लस डॉट ये एक फील्ड होता है। अब कैसे होता है ये समझो। देखो यहाँ पर जो स्टार वन मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन, यूजल एडिशन, और स्टार टू मतलब जो सेकंड ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन मतलब यूजल मल्टीप्लीकेशन। और हमारे पास सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमारे पास सेट भी है और दो ऑपरेशन भी हैं। तो यहाँ पर ये जो R प्लस डॉट है ये एक फील्ड होता है, क्यों, क्योंकि R प्लस जो होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है और R प्लस के पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, जीरो एलिमेंट होता है। तो अब सेकंड कंडीशन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो R में से हम लोग जीरो एलिमेंट को हटा देते हैं, हमारे पास कौन सा सेट आएगा, R स्टार। तो ये जो R स्टार है ये मल्टीप्लीकेशन के साथ मतलब यहाँ पर जो यूजल मल्टीप्लीकेशन दिया है इसके साथ ये एक अबेलियन ग्रुप बना लेता है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, दैट इज ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी इंटू सी एंड सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस सी इंटू बी। तो ये सभी रियल नंबर के लिए ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इस R प्लस डॉट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो R है वो क्या है, एक फील्ड है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट और देखो, ये जो नोट पॉइंट है ना वो आपके बहुत काम का है। नोट पॉइंट ये है कि R डॉट प्लस इज नॉट अ फील्ड एज R डॉट इज नॉट अ ग्रुप। यहाँ पर ये जो डॉट है ना इसका मतलब है यूजल मल्टीप्लीकेशन। तो अब यहाँ पर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या था, R प्लस डॉट, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, R डॉट प्लस, मतलब हम लोगों ने ऑपरेशन को रिवर्स कर दिया। तो सेट के साथ पहले कौन सा ऑपरेशन दिया गया है ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पर नोट पॉइंट पे ये जो सेट दिया गया ना R डॉट प्लस, तो यहाँ पर पहले कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन। तो R मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जीरो का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो अबेलियन ग्रुप तो दूर की बात है, तो ये तो ग्रुप फॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो फिर ये फील्ड कहाँ से बनेगा, फिर ये फील्ड नहीं होगा। तो आप लोग को यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई एक सेट फील्ड है तो उस सेट के ऊपर जो भी ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं अगर उनके ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे ना, तो फिर वो बाद में रिवर्स करने के बाद वो जो सेट है वो फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब फील्ड से रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल हैं तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ फील्ड फॉर्म करता है, एंड इसी तरीके से सेट ऑफ रैशनल नंबर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ भी फील्ड फॉर्म करता है, लेकिन जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ फील्ड फॉर्म नहीं करता है। अब ये क्यों नहीं करता है, पहले तो आप लोग इनको समझो कि ये सी और ये जो क्यू है ये फील्ड क्यों है। क्योंकि देखो जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एडिशन के साथ एक अबेलियन ग्रुप होता है, आप लोग इजीली चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग को यही नहीं पता होगा कि अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी। तो अगर आप लोग को अबेलियन ग्रुप नहीं पता है, कंडीशन को कैसे चेक करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए आपको लास्ट वाले लेक्चर देखने होंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग को ग्रुप थ्योरी के सभी लेक्चर मिल जाएंगे ना, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना वो एडिशन के साथ एक अबेलियन ग्रुप होता है और इसका जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मतलब एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, जीरो होगा। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर हम जीरो एलिमेंट को हटा दें दैट इज सी स्टार, तो जो सी स्टार है वो मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, मतलब अबेलियन ग्रुप होगा। ग्रुप तो हो गई, वो साथ में अबेलियन ग्रुप भी होगा। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो सी है ये प्लस और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में फील्ड है। इसी तरीके से सेट ऑफ रैशनल नंबर भी एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप होता है, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है जीरो। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को हटाने के बाद जो भी सेट मिलेगा आप लोगों को दैट इज क्यू स्टार, तो क्यू स्टार मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होता है। इसी वजह से जो क्यू सेट होता है वो फील्ड होता है।
अब ये समझो कि जो सेट ऑफ इंटीजर है, मतलब जो जेड सेट है, वो फील्ड क्यों नहीं है? वो फील्ड इस वजह से नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो आप लोग ये चेक करो कि एडिशन के रेस्पेक्ट में जो जेड है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर, अबेलियन ग्रुप होता है या फिर नहीं होता है। तो ये जो जेड सेट है, ये एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है? तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो जेड सेट है ना, ये मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप नहीं होता है, ये तो ग्रुप ही नहीं होता है। अबेलियन ग्रुप तो छोड़ो, ये ग्रुप ही नहीं होता है। ग्रुप क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप लोग टू को कंसिडर करोगे तो टू जेड सेट में बिलोंग कर रहा है ना, लेकिन टू का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। टू का इन्वर्स क्या होगा? 1/2। लेकिन 1/2 तो जेड वाले सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इन्वर्स एलिमेंट नहीं हम लोगों को मिल रहे। जेड सेट में मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में 1 और -1 के ही इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। बाकी इसके पास जितने भी एलिमेंट है ना, उनमें से किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के साथ जो जेड सेट है वो अबेलियन ग्रुप नहीं होता है। इस वजह से जो ये जो जेड सेट है, ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ फील्ड फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फील्ड होने के लिए। तो तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, ठीक है? तो अब आप लोग को ये वाले एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल और देखो। इन जनरल जेड एन एडिशन मॉडलो एन और मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन के साथ फील्ड फॉर्म नहीं करता है। यहाँ पर मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ। तो इन जनरल जो जेड एन सेट होता है वो फील्ड नहीं होता है। अब किसी किसी केसेस में ये जो जेड एन है ना, ये फील्ड फॉर्म कर जाता है। तो ऐसी क्या रेस्ट्रिक्शन है कि हम इस जेड एन पर अप्लाई कर दें, अप्लाई करने के बाद ये फील्ड हो जाए? तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है ना, वो ये है कि अगर एन की वैल्यू प्राइम होगी, अगर आप लोग कोई प्राइम चूज कर लोगे एन की वैल्यू, तो फिर ये जो जेड एन सेट होगा वो एडिशन मॉडलो एन और मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन के साथ फील्ड फॉर्म कर जाएगा। तो वही मैंने आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया। फॉर अ प्राइम पी, जेड पी एडिशन मॉडलो पी और मल्टीप्लीकेशन मॉडलो पी इज अ फील्ड। मतलब अगर पी की वैल्यू प्राइम है तो जेड पी फील्ड होगा। अब ये फील्ड क्यों होगा? सबसे पहले तो आप लोग एडिशन मॉडलो पी के रेस्पेक्ट में ये चेक करो कि जो जेड पी है वो अबेलियन ग्रुप होगा या फिर ये नहीं होगा। तो हाँ, ये अबेलियन ग्रुप होता है। अब मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में चेक करो। तो सबसे पहले तो आप लोग जेड पी वाली सेट में से एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को हटाइए। तो जेड पी के लिए एडिशन मॉडलो पी के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, वो होता है 0। तो आप लोग जब जेड पी में से 0 एलिमेंट को हटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? जेड पी स्टार। तो अब ये जो जेड पी स्टार होता है ना, ये मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इन जनरल जेड एन की बात करोगे तो इन जनरल जेड एन मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन के अंडर ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लोग एन की जगह पी को कंसिडर करोगे, मतलब अगर आप लोग प्राइम वैल्यू को कंसिडर कर लोगे, तो फिर सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? क्योंकि जेड पी वाले सेट में 0 से ग्रेटर देन और पी से लेस देन जितने भी इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सभी इंटीजर एन के साथ जीसीडी कितना देंगे? 1 देंगे। तो जिनका जीसीडी एन के साथ 1 आ रहा है ना, उनका तो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है ना जेड पी वाले सेट में। तो यहाँ पर अगर आप लोग पी की वैल्यू प्राइम को कंसिडर कर लोगे, तो पी से लेस देन और 0 से ग्रेटर देन जितने भी इंटीजर होंगे, उन सभी इंटीजर का अगर आप पी के साथ जीसीडी निकालोगे तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस वजह से सभी इंटीजर के इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो अब जेड पी स्टार मल्टीप्लीकेशन मॉडलो पी के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो गया। इसी तरीके से अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी चेक करोगे ना, तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, दैट इज जेड पी एडिशन मॉडलो पी एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडलो पी इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ पी इज अ प्राइम। इसका जो कन्वर्जली पार्ट है वो भी ट्रू होता है। अगर पी की वैल्यू प्राइम होगी तो जेड पी एडिशन मॉडलो पी और मल्टीप्लीकेशन मॉडलो पी के साथ फील्ड फॉर्म कर जाएगा, ठीक है? तो ये वाला रिजल्ट हो गया आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस रिजल्ट को ध्यान रखना, ठीक है? आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब इसके बाद कुछ नोट पॉइंट है हमारे पास, तो हम लोग उन नोट पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट नोट पॉइंट है हमारे पास, इफ एफ स्टार 1 स्टार 2 इज अ फील्ड, देन स्टार 1 इज कॉल्ड एडिशन। इस स्टार 1 को हम लोग बोलते हैं एडिशन, और इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं? प्लस साइन से। एंड इसी तरीके से स्टार 2 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। इस स्टार 2 ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, एंड इट इज यूजली डिनोटेड बाई डॉट। इस डॉट से हम लोग इस स्टार 2 के ऑपरेशन को डिनोट करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखना। इसी तरीके से सेकेंड नोट पॉइंट क्या है, इफ एफ प्लस डॉट, यहाँ पर ये देखो
में जो मैंने फर्स्ट ऑपरेशन डिफाइन किया है उसको मैंने प्लस से डिनोट किया है, और जो सेकंड ऑपरेशन डिफाइन किया है वो मैंने डॉट से डिनोट किया है. तो f प्लस डॉट इज अ फील्ड, देन आइडेंटिटी ऑफ f प्लस इज डिनोटेड बाई जीरो एंड कॉल्ड जीरो एलिमेंट. यहाँ पर ये जो f प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना उसको हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं और उसको जीरो एलिमेंट बोलते हैं ऑफ द फील्ड f. एंड इसी तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ f माइनस जीरो, यहाँ पर हम लोगों ने सेट f में से ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है ना जीरो, इसको हम लोगों ने हटा दिया है. तो आइडेंटिटी ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज डिनोटेड बाई वन एंड इज यूजली कॉल्ड द यूनिटी ऑफ द फील्ड f. यहाँ पर ये जो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी एलिमेंट ऑफ द फील्ड f. ठीक है. देन इसके बाद थर्ड पॉइंट है, इफ़ f प्लस डॉट इज द फील्ड एंड e बिलोंग्स टू f, देन माइनस ए डिनोट्स इनवर्स ऑफ ए इन एफ प्लस. यहाँ पर ये जो माइनस ए है ना इसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ ए इन एफ प्लस. ठीक है. और सेकेंड क्या है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वन बाई ए डिनोट्स इनवर्स ऑफ ए. अगर कहीं आप लोग को फील्ड में वन बाई ए दिख रहा है इसका मतलब ये होता है कि ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. तो आप लोग इन तीनों नोट पॉइंट को ध्यान रखना. तो बस फील्ड में हम लोग को इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा फील्ड में हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रुप थ्योरी में केवल इतना ही आप लोगों के लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. वैसे तो आप लोग जब रिंग थ्योरी को पढ़ोगे ना तो रिंग थ्योरी में हम लोग को और भी ज़्यादा फील्ड में पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ पर आप लोग फील्ड में ज़्यादा पढ़ सकते हो. लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग ग्रुप थ्योरी में फील्ड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत थी वो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है. तो बस आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं. देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास एक फील्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और वो मैट्रिसेस का एग्जाम्पल है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वजह से, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. देखेंगे कि वो किस ऑपरेशन के साथ, जो भी ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं उनके साथ फील्ड फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा. और आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊँ. तो जो भी लेक्चर्स आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग उनको लाइक भी कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी, तो आप लोग उनको भी जल्दी से जल्दी देख सकते हैं. तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर. We'll be right back.